अब ये रिएक्शन है देखो, H2S plus Cl2 gives S plus HCl। अब यहाँ से अगर यहाँ तक आते, वहाँ तक जाना है, सल्फर भी प्रेजेंट हो, यहाँ तक नहीं जा सकते, H2S से S तक आ गए हैं, तो यहाँ पे S और H दोनों थे और यहाँ पे क्या केवल S है, तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब Cl2 से यहाँ से यहाँ आ गया, अब इससे दूसरे में आ जाओ, Cl2 से कहाँ आ गए, HCl, यहाँ हाइड्रोजन नहीं था लेकिन हाइड्रोजन आ गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने क्या पढ़ा था, रिडक्शन। देखो दोबारा देखो, H2S था, H2S से क्या हो गया, S हो गया, तो इस पूरे यहाँ से यहाँ तक आते आते हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना, तो हमने लिख दिया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हमें पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब Cl2 से यहाँ आ जाओ HCl तक, इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, अगर एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन, सच में है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब जरा इस रिएक्शन में ना करके दिखाओ, इस वाली ZnO plus C gives Zn plus C।